अपने आत्माओं, इस मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं है। परमात्मा ने बताया है, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कहता हूं कही जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई तीन लोक का मोल। कहता हूं कही जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये तीन लोक का मोले। ओए होए, एक मंत्र आप करते हो सतनाम का, जो आप जी को प्रदान किया जाता है। अब से पहले ये मंत्र किसी के पास नहीं था, सतनाम मंत्र। और ये पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, आगरा, ये मथुरा वाला, और उसी से ये राधा स्वामी ठाकुर जी महाराज थे, ये सारे एक ही कुएं का जल है। सब भ्रमित पंथ हैं, काल प्रेरित हैं, काल के जाल में फंसाने का ये पक्का षड्यंत्र है इनका। इनको सतनाम का भी पता नहीं, सतनाम के वस्तु है। इनकी एक पुस्तक है सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक, और वो उसका संग्रह बताते हैं कि परम धनी जिसको ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, श्री शिवदयाल जी, आगरा वाले, पन्ना गली वाले, उनके वचनों का संग्रह है, और 150 वर्ष से वो संग्रहित हैं। और उसके बाद 1902 में इसका जो है ना बुक रूप में छपवाई गई। 1902 से लेकर आज तक 109 वर्ष हो गए, और उस अज्ञान को ये भोली आत्मा रटते आ रहे हैं। उसमें लिखा है, एक जगह लिखा है कि सतनाम पांचवी मंजिल है, पांचवी मंजिल सतनाम। और फिर बताया है कि सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतनाम को सतपुरुष भी कहते हैं, और सतनाम को सारनाम भी कहते हैं, सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, और सतनाम को सतनाम भी कहते हैं। इनके इनकी बुद्धि घुमा रखी थी काल ने। अरे सतनाम दो अक्षर का जाप है, सतनाम माने सच्चा नाम। अरे ये इसको कहीं तो सतनाम बताते हैं। और एक जगह है ये सावन सिंह जी, जिनको धन धन सतगुरु वाले पंथ के प्रवर्तक का भी गुरु मानते हैं, श्री सावन सिंह जी ने अपनी पुस्तक लिखी है संत मत भाग, 4-5 भाग बनाए उसने। उसके तीसरे भाग में लिखा है, एक जगह तो लिखा है कि सतनाम स्थान है, आगे फिर किसी ने पूछा कि चार राम की व्याख्या करते हुए बताते हैं सतनाम असली राम है। इन सतनाम का नहीं बेरा आज तक, कहते झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई। जब तुम्हारा ज्ञान ही नल है, कोई थ्योरी लिखता है बच्चा स्टूडेंट, उस लिखे हुए थ्योरी पर लिखे हुए उस विधांत के आधार से वो प्रैक्टिकल करता है तो सफल होता है। जिसका थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ठीक कैसे हो सकता है उसका। तो जो भी उस संत रूप में बैठे उस शिवदयाल जी ने अपने जीवन में जितने भी डड़े ढोए उनका अनुभव है, ये जो उनकी सार नाम राधा स्वामी वार्तिक, और उसमें उन्होंने ये ज्ञान दे रखा है। तो वो ध्यान कहाँ लगाते हो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, जब तुम्हारा ज्ञान ही गलत है, तुम्हारी छुरी ही गलत है। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये सतनाम है दो अक्षर का, जिसमें एक ओम अक्षर है, और जैसे ओम तत् सत में 3 मंत्र बताए, इनमें से एक तत् मंत्र सांकेतिक ये दास बताएगा उसको, और दूसरा नहीं बता सकता, अधिकारी भी नहीं है, और उस दास से पहले किसी को इसका पता भी नहीं था। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में ये लिखा था, और उसको अब डिस्क्लोज करना था, पहले गुप्त रखना था, ये परमात्मा का आदेश था। इसी कारण से आदरणीय नानक साहिब जी ने भी इस दो अक्षर के सतनाम का जाप किया, लेकिन अन्य किसी भी शिष्य को प्रदान नहीं किया।
और न ही उनको जाप करने का आदेश दिया। जैसे समंदर की साखी, जैसे गुरु नानक देव जी की साखी हैं, जन्म साखी, उनमें समंदर की साखी हैं, उसमें मर्दाना और बाला दोनों गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमें श्रीलंका दिखाने की कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि चलो समंदर के ऊपर का चल पड़े, जैसे थल पर चलते हैं, और उनसे कहा कि तुम वाहेगुरु जपते रहना। अब मर्दाना और बाला तो वाहेगुरु जप रहे हैं और नानक जी ये दो मंत्र का जाप जप रहे हैं, सतनाम जप रहे हैं मुख से मौखिक। उस दिन मर्दाना ने भी वही सतनाम जाप शुरू कर दिया, वो डूबने लगा समुंदर में। तब गुरु जी ने पूछा, मर्दाना तू वही जाप कर जो मैंने कहा, तू मेरी रीस मत कर, मेरे वाला जाप मत कर। तब उसने वही जाप किया, वो दो अखर का जाप बंद कर दिया। अपनात्माओं, इससे भी ये बात प्रमाणित होती है कि सुनियोजित तरीके से परमात्मा यहाँ तक लाए हैं इस रहस्य को। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था धर्मदास जी को, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बार ना जाई, ये असली मंत्र कहीं बार ना जाई। और इस मूल ज्ञान को भी, यथार्थ ज्ञान को भी अभी तक छुपा के रखना है, अब कलियों के इस समय में इसको डिस्क्लोज करना था। इसे सिद्ध है कि ये मंत्र अभी किसी के पास नहीं था। गुरु नानक देव जी को अवश्य पता था, लेकिन इन्होंने आगे परमात्मा के आदेश से किसी को, सिख समाज को नहीं दिया। क्योंकि अब तक अगर ये मंत्र पहले से डिस्क्लोज होता तो ये नकली काल के दूसरा दास स्वामी वाले इसका मंत्र बताते पाते, दो अक्षर का ये मंत्र जाप करो, फिर ये दास क्या बताता आपको, और वो नाम ये देवी देते तो अभी अधिकारी नहीं थे, इसलिए वो काल के जाल में फिर भी रख देते आपको। तो इस प्रकार परमात्मा ने आप पया मेर करी है, और इस परमेश्वर के इस सतनाम के जाप से आपके पाप कटेंगे, आपके श्राप कटेंगे, आपके ऊपर तीन ताप का जो दुख, भूत, प्रेत, पितर, जो भी आपके ऊपर आपदाएं आई हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। क्या बताते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गाशे। कबीर परमात्मा कहते हैं अपने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, उस तत्व ज्ञान में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो, हृदय धरण का अर्थ यहाँ पर है कि जब आपको यो नाम मिल गया और आपने सच्चे दिल से इसका जाप शुरू किया, नियमित रहे और मन में किसी प्रकार की कोई विक्षेप आपका उत्पन्न ना हो गुरु परमात्मा और मंत्र के प्रति, फिर ये आपके हृदय धरा गया, उसके बाद जब तुम सुमन करोगे सच्चे दिल से और बिल्कुल निसंका होकर के, निसंसित होकर के, फिर देखना इसका कितना कमाल होता है। तो जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास, 1,000 क्विंटल और चाहे 1,000 टन सूखा घास अड़ंगा पड़ा हो कहीं पर, और उसको ढोण लाग गया आदमी, कद्दे भी ना उठे ना किधर दरिया जा, एक माचिस की सीख जलाकर चिंगारी ला दे उसमें, सारे नफ्सों आकर के राख बना दी, और चलेगी तेज हवा इधर उधर बखेर कर उसको कति क्लियर कर देंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गासी।